हे गाइस, मेरा नाम उमर है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्विफ्ट VDI के ब्रॉड साइज टायर के बारे में। गाइस, ज़्यादातर लोग ब्रॉड साइजिंग में मिस्टेक कर लेते हैं जिससे उनका गाड़ी का परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है, गलत साइज़ डाल देते हैं और उनकी गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी सजेस्टेड साइज़ कौन सा है। और उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा। तो गाइस, ब्रॉड साइज टायर बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपनी सजेस्टेड कंपनी फिटेड जो साइज़ आता है वो आपका ये होता है 165 ATR 14। इसकी साइज़ यहाँ पर मेंशन है 165 ATR 14, ये इसकी साइज़ है। 165 जो है गाइस इसकी ब्रॉडनेस है, और 80 जो है, जो 80 आपको दिख रहा है 80 इसकी प्रोफाइल है, और जो 14 जो दिख रहा है इसका डायमीटर है। गाइस, ये कंपनी का कंपनी फिटेड साइज़ आता है, ये नॉर्मल साइज़ है, और मैं आपको ब्रॉड साइजिंग में बताने जा रहा हूँ। एंड गाइस, ये टायर जो आप देख रहे हो ये कंपनी का सजेस्टेड ब्रॉड साइज टायर है। गाइस, इसकी जो साइज़ है ये 185 की साइज़ है, जैसे कि आप साइज़ देख सकते हो 185। गाइस, इसका ये ब्रॉडनेस है। कंपनी का जो टायर है वो 165 है और ये 185 है, यानी 20 mm ये टायर ब्रॉड है, लेकिन इसकी जो प्रोफाइल है वो 70 है। 70 मीन्स इसकी जो प्रोफाइल है ये 70 है, और कंपनी जो फिटेड टायर था उसकी प्रोफाइल 80 थी। मीन्स ये कंपनी जो टायर है उससे ये हाइट में थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप ब्रॉड साइजिंग कर रहे हो तो प्रोफाइल कम होना भी काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं मिलेगा। एंड 14 इंच जो इसका डायमीटर है वो सेम है। और गाइज, अगर आप ब्रॉड साइजिंग में जा रहे हो और आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम टायर कौन सा डालें, तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा MRF ZLO। गाइज, ये जो ZLO टायर है ये और टायरों से काफ़ी अलग है। ये आप देख सकते हो कि जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें राइट साइड में जो ग्रिप है वो लेफ्ट साइड में ग्रिप नहीं है। नॉर्मली आप जितने भी टायर्स देखोगे, एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप ये टायर देख सकते हो, इसका जो राइट साइड में ग्रिप है वो लेफ्ट साइड में सेम है, मतलब ये नॉर्मल टायर है। और ये टायर जो है आप देख सकते हो, इसमें लेफ्ट साइड में ग्रिप अलग है, राइट साइड में ग्रिप अलग है। ये दो टायर का ग्रिप एक टायर में कंपनी ने एडजस्ट करके इसको काफ़ी अच्छा टायर बनाया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि MRF ZLO डालो, काफ़ी अच्छा टायर है। एंड होप सो गाइस, आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अपसाइजिंग के बारे में। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट लिंक्स है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।